शैतान, शैतान का ये तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। दज शैतान इज द क्रीचर ऑफ गॉड हु हैज बींग एंड एसेंस फ्रॉम गॉड, ही इज द पार्टनर ऑफ गॉड इन द ड्रामा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सॉल्वेशन एंड ही इज द राइवल, ही इज द राइवल। तो ये जो शैतान नस्ल के लोग हैं, हमारे पूरे दुनिया में हैं शैतान नस्ल के लोग, ज़्यादा संख्या नहीं है, 1-2% हैं, और भारत में भी हैं शैतान नस्ल के लोग। तो ऐसे लोग जो हैं अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए, लोगों के बीच में प्रस्थापित करने के लिए कहते हैं कि शैतान को भगवान की ही सृष्टि माना जाता है, शैतान कुछ और नहीं है, वो भगवान, भगवान ने ही उसको बनाया है। तो शैतान को भगवान की ही सृष्टि माना जाता है, तो इसलिए शैतान से नफरत ना करो, क्योंकि वो जैसे आपको भगवान ने बनाया है वैसे शैतान को भी भगवान ने बनाया है, तुमको मिट्टी से बनाया है और शैतान को जो है भगवान ने आग से बनाया है। तो शैतान को भगवान की ही सृष्टि माना जाता है, ऐसा शैतान नस्ल के लोग अपने पक्ष में जो है आम जनता में प्रचार करते रहते हैं। जिसका अस्तित्व एवं तत्व भगवान से ही मिला है, जिसको अस्तित्व एवं तत्व भगवान से ही मिला है, शैतान को जो ताकत मिली है वो भगवान ने ही दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, क्योंकि भगवान ने उसको पैदा किया है आग से, तो उसको ताकत भी दिया है। वो इसलिए वो कहता रहता है शैतान, हम भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, हमारे मुंह में आग है, ये है वो है, ऐसा कहता रहता है। कारण उसका वो है, वह भगवान का ही साझीदार, वो भगवान का साझीदार है, वो भगवान का साझीदार है। ये जो दुनिया बनी हुई है उसको, उसको बनाने में वो भगवान का जो है साझीदार है, मतलब उसका भी हिस्सा है इस प्रकृति को बनाने में। भगवान ने बनाया है तो साथ में बैठ के वो भी बनाया है, वो भी बनाया है। तो शैतान इसे प्रचार करता रहता है, वह भगवान का प्रतिद्वंदी है, और वो जो है भगवान का जो है प्रतिद्वंदी भी है, मतलब उनका जो है विरोधी भी है, विरोधी भी है, जाहिर है हिस्सेदारी के लिए तो विरोध करेगा ही, सारा का सारा भगवान थोड़े ले लेगा, भगवान को भी देना चाहिए ना उसको। तो वो भगवान का प्रतिद्वंदी भी है, वह भी मानव को मुक्ति देने के लिए नाटक करता है, वह भी मानव को मुक्ति देने के लिए नाटक करता है। तो जैसे भगवान को आप दान दक्षिणा दान देते हो, तो वो कहता है कि मुझको दक्षिणा दो, दक्षिणा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा दान वहाँ तक नहीं पहुँचाएँगे, भगवान तक ऊपर, मतलब ऊपर भगवान बैठा है उस तक हम नहीं पहुँचाएँगे। तो वह भी भगवान को मुक्ति देने के लिए नाटक करता है, नाटक करता है। तो इस शैतान नस्ल के लोग आम जनता में ऐसा प्रचार करते रहते हैं, और सारी दुनिया में प्रचार करते रहते हैं, भारत में तो बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। भारत में तो चलता है दान दक्षिणा, दान का मतलब होता है भगवान के नाम पे आपने दिया, तो चाहे थोड़ा सा ही दे दो कोई बात नहीं है, लेकिन जो दक्षिणा है वो शैतान को मिलना चाहिए, और चौचक मिलनी चाहिए, नहीं ढेर सारी मिलनी चाहिए, नहीं 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 दोगे तो वो दान पहुँचाएगा नहीं, कहा जाएगा, कहा जाएगा। तो शैतान को भगवान की ही सृष्टि माना जाता है, जिसको अस्तित्व एवं तत्व भगवान से ही मिला है, वह भगवान का साझीदार है, वह भगवान का साझीदार मतलब पार्टनर है, वह भगवान का साझीदार है, वह भगवान का प्रतिद्वंदी है, राइवल है, वह भगवान का प्रतिद्वंदी है, वह भी मानव को मुक्ति देने के लिए, साल्वेशन, साल्वेशन माने मोक्ष मुक्ति, वह भी मानव को मुक्ति देने के लिए नाटक करता है, नाटक करता है, यानी भगवान के नाम पे दान मांगता है और अपने नाम पे दक्षिणा मांगता है, दक्षिणा मांगता है। द मीनिंग ऑफ शैतान इज द एंजिल हु इन ज्यूइश बिलीफ इज द कमांडेड बाय गॉड टू टेम्प्ट ह्यूमन टू सिन, टू एक्यूज द सिनर्स एंड टू कैरी आउट गॉड्स पनिशमेंट, गॉड्स पनिशमेंट। यहूदी लोगों का विश्वास है, यहूदी लोगों का विश्वास है कि शैतान एक देवदूत है, देवदूत है जिसे भगवान ने मानव को पाप करवाने के लिए आदेश दिया है, मानव को पाप कराने के लिए, करवाने के लिए आदेश दिया है, जो मानव को लालच देता है, जो मानव को लालच देता है, जो पाप करने वालों का मुलजिम है, जो पाप करने वालों का मुलजिम है, जो भगवान के दंड को लागू करता है, जो भगवान के दंड को लागू करता है। तो ये जो यहूदी नस्ल के लोग हैं उसी में से एक वर्ग है जो शैतानी, शैतान का काम करता है, यानी जो शैतान नस्ल और कुछ नहीं है, ऐसा दुनिया के लोगों का मानना है कि यहूदियों का ही एक वर्ग है जो शैतान नस्ल है, और सारी दुनिया में ये बदमाशी करता रहता है,
तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं, यहूदी लोग इसलिए कहते हैं कि यहूदी लोगों का विश्वास है कि शैतान एक देवदूत है, शैतान एक देवदूत है। अरे जब उन्हीं का हिस्सा है यहूदियों का, तो उसका सम्मान तो करेंगे ही। तो कहते हैं कि शैतान जो है एक देवदूत है, जिसे भगवान ने मानव को पाप करवाने के लिए आदेश दिया है। मतलब कि भगवान ने ही कहा है कि तुम जो है इंसानों से पाप कराओ। जैसे हमारे भारत देश में है, जो हमारे मूलवासी बहुजन के नेता हैं, जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी बनाए हुए हैं, सुप्रीमो हैं, तो उनके बगल इस शैतान नस्ल के लोग बैठ जाते हैं और सत्ता का जो है दुरुपयोग करवाते हैं, उनसे काली कमाई करवाते हैं, और उसके बाद जो है उनकी फाइल बनवा लेते हैं, और फिर CBI का ED का जो है उनको डर दिखाते हैं, कोर्ट का डर दिखाते हैं कि तुमको सज़ा मिल जाएगी, और सज़ा दिलवा भी देते हैं। ये हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द ये बैठे रहते हैं और उनसे जो है कहते हैं कि राज्यसभा में हम ही को भेजो नहीं तो तुमको दंड मिलेगा, मतलब तुमको कोई ना कोई दंड मिलेगा। जो मानव को लालच देता है, यानी जो यहूदी लोग हैं कहते हैं कि शैतान जो है मानव को लालच देता है, जो हम भारत देश के अंदर देख रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को लालच देता है कि काली कमाई करो, हम है ना, हम सब बचा लेंगे। तो जो पाप करने वालों का मुलजिम है, और जो पाप करते हैं उनका मुलजिम, मतलब उनसे यही करवाता है पाप, शैतान करवाता है, जो भगवान के दंड को लागू करता है, और कहते हैं ये जो भगवान का जो दंड देता है ऐसे पापी लोगों का, तो वो शैतान जो है उसको लागू करवाता है। तो यहूदी लोगों ने जो है अपने यहूदी भाइयों का जो है पक्ष लेने के लिए ये कहा है कि यहूदी लोगों का विश्वास है कि शैतान एक देवदूत है, जिसे भगवान ने मानव को पाप करवाने के लिए आदेश दिया है, जो मानव को लालच देता है, जो पाप करने वालों का मुलजिम है, जो भगवान के दंड को लागू करता है। यानी भगवान के दंड को लागू करता है, भगवान के कहने से ही शैतान सब कुछ करता है, इसीलिए शैतान की भी पूजा करनी चाहिए। शैतान आल्सो कॉल्ड द एडवर्सरी आर द डेविल इज द एनिमी ऑफ ऑल द राइटसनेस एंड ऑफ दोज हु सीक टू फॉलो गॉड। ही इज ए स्पिरिट सन ऑफ गॉड। तो जो शैतान का जो महिमा मंडन करते हैं, अब वो कहें क्या, तो वही कह रहे हैं कि शैतान को डेविल अथवा दुश्मन कहा जाता है। शैतान जो उसको डेविल अथवा दुश्मन कहा जाता है, जो अच्छाई का दुश्मन है। शैतान क्या है, अच्छाई का दुश्मन है। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है, तो जो बुरा है वो शैतान का किया हुआ है। जो भगवान के अनुयायी हैं, जो लोग भगवान का अनुसरण करते हैं, उनका दुश्मन है। यानी आप भगवान का जो है अनुयायी मत बनो, उनका अनुकरण मत बनो, शैतान का बनो। शैतान को बढ़िया दान दक्षिणा दो, बस शैतान सब सही कर देगा। वह भगवान का ही प्रेतात्मा है, और वो जो भगवान का है, एक जो प्रेत औरत प्रोत भूत प्रेत पिशाच दिखाई पड़ते हैं, एक तरह से वो भगवान का ही है। यानी जो प्रेतात्मा है ये गलत काम करवाती है इंसानों से, तो ये भगवान का ही रूप है, भगवान का ही रूप है। तो ये जो शैतान है यही प्रेतात्मा है, और ये भगवान का ही एक रूप है। तो इस तरह से जो है शैतान नस्ल के लोग जो है भगवान के नाम पर जो है अब अपनी बड़ाई करवाते हैं, महिमा मंडन करवाते हैं। शैतान को डेविल अथवा दुश्मन कहा जाता है, जो अच्छाई का दुश्मन है, जो भगवान के अनुयायी हैं उनका दुश्मन है, वह भगवान का ही प्रेतात्मा है, स्पिरिट है, वह भगवान का ही प्रेतात्मा है। ये सब जो है यहूदी जो शैतान नस्ल के लोग हैं वो अपने पक्ष में ये सब बात कहलवाते हैं। द डेविल गोज बाई मेनी नेम्स, शैतान, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, बिलजेबूब एंड लूसीफर, टू नेम ए फ्यू। शैतान को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, दुनिया की ढेर सारी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में शैतान के अलग अलग नाम हैं। तो शैतान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंधकार का राजकुमार। अंधकार माने अज्ञान, ये अज्ञान अशिक्षा का प्रचार करता है, हमारे भारत देश के अंदर कर रहा है। नई शिक्षा नीति क्या है, शैतानों की शिक्षा नीति है, और किसकी है। तो शैतान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंधकार का राजकुमार, बिलजेबूब कहते हैं उसमें, ये यहूदी भाषा में कहते हैं, हिब्रू भाषा में कहते हैं, बिलजेबूब यहूदी लोग कहते हैं, और लूसीफर जो है इसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं। तो शैतान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंधकार का राजकुमार, बिलजेबूब, लूसीफर इत्यादि। अब दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सब में जो है शैतान के नाम कुछ ना कुछ तो हैं,
तो इसी तरह से कुछ नाम हैं और भी हैं, भारत देश के अंदर भी ऐसे कुछ नाम हैं जिनका खुलासा बाद में होगा, जिनका खुलासा बाद में होगा।